सो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो गए। वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो गाइज, आज 16 तारीख है और आज मेरे घर में दस्तारबंदी है और रात में फंक्शन है। तो गाइज, अभी मेरी दस्तारबंदी होगी, हालांकि मैंने पग पहनी हुई है, उसे अभी पहनी हुई है। जो दस्तारबंदी होगी तो मैं दस्तार को उतार के वो पग बांधेंगे ज्ञानी जी हमारे। तो दस्तारबंदी उसको कहते हैं, उसको रस्म कहते हैं, तो वो निभाएंगे, हम लोग करेंगे। तो मेरी हुई नहीं, तो मैं कराने जा रहा हूँ। बाकी घर में फंक्शन काफ़ी है और सारा लोग टेंशन में भी होता है। जब देखो शादी होती है तो टेंशन भी रहता है, तो थोड़ी सी में थोड़ा वीडियो वगैरह थोड़ा दिक्कत हो जाती है बनाना वगैरह, ठीक है। तो कहीं मैं आपको लेकिन दिखाऊंगा अपनी दस्तारबंदी, ठीक है, चलो। सरदार सरोचन सिंह जी कांगड़ा, अपने बच्चे अश्मीर सिंह जी का दस्तावेज कराए, ऐसी बेनती आप सारे जरूर प्रवान करो। जिस तरह आप सारे को पता ही है, साल के प्रभाव में सारी संतान ने साल के साथ भी हिस्सा लेना है। यह प्रभाव की तरफ बेनती है, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम सतनाम वाहेगुरु, सत सो गाइस, जैसा कि आपने देखा, पग बंधाई मेरी हो चुकी है। देख लो, दस्तारबंदी मेरी हुई हुई है, देख लो पग बंधी हुई है, ज्ञानी जी ने बांधी है। पर मैं इस तरह नहीं बांधता हूँ, मैं वट्टाली बांधता हूँ, पर ज्ञानी जी ने अच्छी बांधी है, बहुत अच्छी लगी, ठीक है। तो दस्तारबंदी मेरी हो चुकी है, नाश्ता पानी हो चुका है, समाप्ति हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। मैं आपको देखो बाहर ही मैं हूँ, तो यहाँ सब बैठे हुए थे, सब हो चुका है ख़त्म, सब जा चुके हैं अपने अपने घर और हम उन्हें समाप्ति कर दी है, ठीक है। अब ये सब सामान जो है, ये जो वाहेगुरु जी का है, गुरुद्वारे जाना है, गुरुद्वारे छोड़ के आना है, ठीक है, ये सब हो गया है। बाकी रात में फंक्शन है मेरा यहाँ पर सहो गेस्ट हाउस में, जैसा कि पता है फंक्शन है, तो यहाँ पर होगा, यहाँ पर मज़ा किया जाएगा, यहाँ पर डांस वगैरह सब कुछ होगा, धमाकेदार मज़ा आएगा, तो वो देखना, ठीक है, वो आपको देखेंगे, काफ़ी मज़ा आएगा। बाकी बस ये एंडिंग है, इसको साफ करके चलते हैं हम लोग। तो गाइस, अभी हम लोग आए हैं साहू गेस्ट हाउस में, जहाँ की फंक्शन होने वाला है। ये देखो थोड़ा बहुत सजावटें हो रही हैं, ठीक है, ये देखो हमारे जीजू जी हैं, हमारे भैया हैं, सब पनीर वनीर वगैरह कट रहा है, ये पनीर वगैरह कट रहा है और सब सामान अंदर बन रहा है जो है, ठीक है, गाजर का हलवा जो भी है सामान बन रहा है, ठीक है। यहीं पर फंक्शन होगा, ये सब तो कल फंक्शन हुआ था यहाँ पर, तो गुब्बारे वाले तो नए लगेंगे, जो भी है फंक्शन तो ये होते रहते हैं यहाँ पर, फंक्शन होते रहते हैं। परसों मैं आया था, यहीं पर आया था, मैंने थोड़ा दिखाया, ज़्यादा नहीं दिखाया, परसों मैं यहीं आया था, कल भी फंक्शन हुआ था इनके यहाँ। अब साहू गेस्ट हाउस है तो यहाँ पर फंक्शन वगैरह होते रहते हैं, तो यहाँ पर ही फंक्शन होते हैं, हम लोग कराते भी हैं, थोड़ा यहाँ चेंज करवाएंगे, सेम नहीं करवाएंगे, जो कल हुआ था जिनका किसी का भी हुआ था, आज हम लोग का चेंज रहेगा, ये नहीं कि सेम नहीं होगा, अलग अलग रहेगा, ठीक है। तो गाइस, अभी हम लोग आए हैं हंस डीजे की तरफ, हंस हाईटेक डीजे म्यूजिक सिस्टम, यहीं से उन्होंने डीजे सिस्टम लगवाया हुआ है, तो हम लोग माइक लेने आए हुए हैं भैया की शॉप पे, ठीक है, और भैया हमारे गाना बजाएंगे, डीजे वगैरह इन्हीं की तरफ से बुक है, मतलब हम लोग ने करवाया हुआ है, तो अच्छा बजाते हैं, मतलब अच्छा करते हैं, तो इसलिए हमने माइक लेने आए हैं, सिर्फ माइक लेके वहीं चलते हैं, ठीक है, चलो। तो गाइस, तैयारियाँ जोरों शोरों से चल रही है और हमारे साथ आ चुके हैं दीप सिंह टुटेजा, हेलो, क्या नाम है, मुंडेरवा वाले, ठीक है, दीप आ गई है, दीप आ गया है, ज्योत आ गई है, नानी आ गई है, मामी आ गई है, मामा आ गए हैं, बानी आ गई है, जस आ गई है, सारे लोग आ गए, मेरे नानके के घर के सारे घर आ गए, सारे लोग आ गए, लेकिन सुबह नहीं आ पाए थे, सुबह लोग मिसिंग थे, लेट हो गए थोड़ा, तो मिसिंग थे, और अभी हम लोग फंक्शन अटेंड करेंगे, दोपहर के बज गए हैं, 3:30 करीब बज गए हैं, और ये सभी हम आए हुए दीप के साथ, थोड़ा बहुत गाना वगैरह चूज कर रहे हैं, क्या बजवाना चाहिए, क्या बजाना चाहिए हम लोग, क्योंकि गाना वाना अच्छा ना बजना, अच्छा इतना तो अच्छा मजा नहीं आएगा, इसलिए हम लोग गाना चूज़ कर रहे हैं, ढोल मिक्स ये वो सब कुछ, तो चूज़ करके सब भैया को दे दिए, और भैया फिर बजाएंगे और अपने मन से भी अच्छा बजाएंगे, बता दिए उनको। हाँ। बाकी ये देखो थोड़ा बहुत हो रहा है, स्टेज वगैरह भी ये सजा हुआ है, थोड़ा स्टेज क्या सजा क्या है, यही थोड़ा बहुत डांस होगा यहाँ पर जो है, मेन तो भैया लुधियाना में ही होगा, आप लोगों को पता ही है लुधियाना में होगा, लुधियाना तो काफ़ी मज़ा आने वाला है, बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा,
यहाँ भी बहुत अच्छा प्रोग्राम लोग अपने से कोशिश कर रहे हैं करने की, अच्छे से हो जाए वाहेगुरु, बस ये है। और हम लोग यहाँ पर यहीं पर हैं, और घर में मामा मामी सब लोग घर पे हैं, और हम लोग यहीं पर हैं। हम लोग चलते हैं घर पे और खाना वगैरह खा लेते हैं। दीप तुमने खाना खाया? मैंने चाय नाश्ता कर लिया मंदिर में। मैंने खाना नहीं खाया, चलो साथ में चलते हैं खाना खा लेते हैं, भूख लगी है। उसके बाद फिर यहाँ आते हैं, तैयार वैयार होकर भी आना क्योंकि 3:30 बज रहे हैं। और लेडीज संगीत है तो लेडीज संगीत में भैया औरतों का माहौल होता है तो शुरुआती हो जाता है, चुनना शांत तो नहीं होता है, 5 बजे से स्टार्ट हो जाता है। तो भैया औरतों को डंडा करना पड़ेगा कि भैया जल्दी तैयार हो जाओ, तैयार तुम यहाँ आए, क्योंकि अपने घर के नहीं औरतें आएंगी तब फिर दूसरा कौन आएगा। पहले हम लोग घर से आना चाहिए ना सबके, तो इसलिए जल्दी चलते हैं। बस चलो तो गाइस हम लोग घर आ चुके हैं, मामा और हमारे दीप सिंह और ये जो ये भगड़वा वाली नानी और ये बानी जो सर ढके लेती हुई है सो रही है और हमारी जस्सू। बस खाने वगैरह का इंतजार करते हैं, थोड़ा खाना वगैरह करते हैं, खाते हैं, उसका थोड़ा काम वगैरह है, वहाँ पर जाते हैं, सजावट देखते हैं कि सज रहा है कि नहीं सज रहा है। तो गाइस बंदर आ चुका है हमारे छत पे ऊपर, हम लोग कंबल लेके जा रहा था, ये देखो आ गया, ये पूरा फाइटिंग कर रहा भैया वर्सेस बंदर, भैया वर्सेस बंदर, ये देखो बाहर हम लोग आ गए, ये बंदर ही देखो, हमारे सबको भगा रहा है, वहाँ देखो बंदर वहाँ ना हो, चलो
सारा फंक्शन निपट चुका है। दीप भैया फोटो खींच रहे हैं अपनी मम्मी पापा की, मेरे मामा मामी की, और हम लोग खाना खा रहे हैं। देख लो कितने बज गए हैं भाई, 10:30 से ज्यादा हो रहे हैं, कितने 11 बज चुके हैं, और अब हम लोग खाना खा रहे हैं और सब लोग निपट चुका है, सारा मामला निपट चुका है, रसगुल्ले के अंदर प्याज चला गया। बताओ क्या खाया जाए, और दही बड़े साथ में ले लिए और कुछ बचा नहीं है, सब खत्म हो गया है। क्या करें भैया, अपने घर की शादी में कहाँ कुछ खाने में मिलता है, भागा दौड़ी जिंदगी है, थकना मना है, रिवाइटल। चलो छक लेते हैं, उसके चलते हैं घर, ठीक है। सब कुछ एंड हो चुका है और अब जो खाने पीने का सामान जो बचा हुआ है वो हम लोग घर लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो सुबह वगैरह सब चलेगा, अंदर में सामान लेके जा रहे हैं, सामान लेके आते हैं तो घर रखेंगे, तो सुबह वही खाना चलेगा, क्योंकि अभी इतनी हिम्मत नहीं है मम्मी ने बना पाए, सुबह जो बचा हुआ है वही चलेगा, रसगुल्ला वगैरह जो भी बचा सब सब निपटा देंगे, काम करता हूँ। चलो भाई गाइस बजा दो, बजाओ इसी आते ये। तो गाइस सब कुछ हो चुका है, ये देखो मिठाई के डब्बे वगैरह सब रखे, कोई बात नहीं, लड्डू के डब्बे सब सब हो चुका है। साहू गेस्ट हाउस में काफ़ी मजा आया, काफ़ी डांस किया, आपने वीडियो भी देखी होगी, वो तो मैंने जो वीडियो डाली बहुत कम ही डाली होगी, अगर आपने देखी होगी तो बहुत कम डाली है, पर डांस उन्होंने खूब किया, खा तो कुछ नहीं पाए घर का, जब घर की शादी में तो कुछ नहीं खा पाते हैं, लेकिन डांस खूब किया, लेकिन जो वीडियोग्राफर आया था उसने वीडियो खूब बनाई, फोटो वगैरह खूब खींची, बहुत मजा आया। चलो हमारा ढोलकी राम यहाँ खड़ा है, ये तो भाई इतना सारा सामान बच गया है, अब ये घर जाएगा, ये देखिए इसके नीचे गुलाब जामुन है पूरा। तो गाइस पैर की माँ बहन हो गई है, और मैंने जैकेट वैकेट उतार दिए जो पहनी थी, देखो ये इनर पहना हुआ था मैंने, अंदर ब्लैक टी शर्ट थी, और थक गए काफ़ी, सब सामान रखा रहे हैं घर पे जो बचा है, और हम मैथ कर रहे हैं, ऋतिक है, ये देखो ऋतिक है हमारे घर का सदस्य हमारा ऋतिक, और दीप है, अनमोल भैया है, बाकी मम्मी वगैरह सब चले गए हैं, हम लोग थोड़ा रखवा रहे हैं, पानी टंकी बहुत ज़्यादा है, ये भी घर पे बहुत ज़्यादा जाएगी, इतनी सारी पानी टंकी हो गई, बताओ इतनी सारी घर पे क्या करेंगे, लेकिन लेके जाना पड़ेगा, वेस्ट पानी ख़राब कभी नहीं होता है, तो उसको ले जाएंगे हम लोग, ठीक है, बाकी देखते हैं। और सब सवाल इनमें भी हो, देखो लेके जा रहा है दीप वगैरह, पानी हेलो 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 चावल चावल जाएगा, काटना पड़ेगा। गाइस फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं, और रात के बज गए हैं 12:15, तो अभी हम लोग जो बचे कुछ हैं हम लोग के पास जो रखे हुए हैं, क्या बोलते हैं, गोलगप्पे, ये अंगद को तुरंत खाने लग रहा है, गोलगप्पे और मटर और क्या बोलते हैं पानी, ये हम लोग अभी खाएंगे, थोड़ा सा खा लेते हैं, लगता है खा लेते हैं भाई, काम करते हो क्या हो गया, ऋतिक भाई किया है, हमारा रात के बैठा हुआ है, चलो खाते हैं, छकते हैं हम लोग, छको छको। तो गाइस ऋतिक वगैरह भी चला गया है, उसको छोड़ के आए हैं, ठीक है, छोड़ दिए हैं, और तो गाइस रात के बज गए हैं 12:30 से ज़्यादा ही हो गए हैं टाइम, तो गाइस आराम करना है, काफ़ी डांस वगैरह खूब किए हैं, पैर लाते टूट चुके हैं, थकावट काफ़ी हो चुकी है, सुबह मिलते हैं फिर, आज का व्लॉग हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, आगे मैं और ऐसी वीडियोज लाता रहूँगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, और जब भी सब्सक्राइब करो तो बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर लेना, जब भी मैं कोई वीडियो डालता हूं तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।